नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में मैं मुकेश मेनारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक के दो बेस्ट ब्रेकआउट चार्ट के बारे में। मल्टीयर ब्रेकआउट चार्ट हम लोग इन स्टॉक्स में कह सकते हैं, काफी अच्छे ब्रेकआउट हो सकते हैं जो हमारे लिए आने वाले कुछ दिनों में या कुछ कहे मंथ में हमें अच्छा रिटर्न्स इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद में मिल सकता है। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं वो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे और उसके क्या लेवल हो सकते हैं, किस लेवल पे हमारी फ्रेश बाइंग हो सकती है और क्या हम लोग टारगेट रख के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टॉक के में। तो देखते हैं कि आगे हम इन स्टॉक्स का क्या हम लोग व्यू रख के जा सकते हैं। 1 साल तक हम लोग का 1 से 2 साल का व्यू रख के अच्छा एक लॉन्ग टर्म का चार्ट, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें होता है क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को देख के, अभी मंथली चार्ट अभी हम लोग देखेंगे, काफी अच्छा मंथली चार्ट इस स्टॉक्स में बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स है और उसमें क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और उनके क्या लेवल और क्या टारगेट हम लोग देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, वीकली चार्ट में हम लोग काफी अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आप लोग के लिए फाइंड आउट करके मैं आप लोग के साथ ही आपसे शेयर करता हूँ। इस वीडियो में काफी मेहनत लगती है और इसमें मिनिमम 2 से 3 घंटा इस वीडियो को बनाने में लगता है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है आप लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा स्टॉक्स कौन सा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग इस स्टॉक्स में बाय एंड सेल करें। अगर बाय एंड सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो स्टॉक्स है, पहला स्टॉक्स चार्ट ऑफ द वीक का बेस्ट ब्रेकआउट वाला स्टॉक्स भारत बिजली लिमिटेड। इसमें दोस्तों एक पावर सेक्टर से इस स्टॉक्स से आता है, तो इसमें एक अभी हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो अभी इसमें करंट इसमें चल रहा है, इसकी करंट प्राइस जो कि 1775 के आसपास इसकी आज की लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को फ्रेश बाइंग कहाँ कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा एक इम्पोर्टेड अच्छा रजिस्टर्स है उसको जैसे निकालेगा तो हम लोग इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा वीकली चार्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी समझने में अभी ये रहा। दोस्तों, भारत बिजली लिमिटेड का चार्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक मल्टी ईयर टाइम फ्रेम में एक लेवल को इसने बार बार टेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इस लेवल को इसने काफी दिनों से होल्ड कर रखा है, इस लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस लेवल को ये फेस कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इसका लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल जो इसका आ रहा है 1750 के आसपास। इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसमें हमारी क्या नई पोजीशन बना सकते, आज इसने लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी डोजी टाइप इसने कैंडल बनाई इसी सपोर्ट के आसपास और ये अच्छा सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब इसको हम लोग जैसे ही इस लेवल को ऊपर है जब तक हम लोग इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते एंट्री कर सकते। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1800 के आसपास समथिंग, यानी कि 1790 के आसपास इसमें एक
हमारे एंट्री पॉइंट बन सकता है यहाँ पे। हम लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इसमें, इस स्टॉक्स पे। इसका टारगेट हम लोग क्या लेंगे दोस्तों? टारगेट का हमारा जो लेवल आ रहे, जो पीछे जो भी हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने वाले हैं कि कौन से रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे हम लोग उसको टारगेट होल्ड करके चल सकते हैं। तो अभी इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी लास्ट फ्राइडे को इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है। अभी इसमें देखिए कि ब्रेकआउट ऑलरेडी इसने यहाँ पे दे दिया, लेकिन देखिए कि इसी ब्रेकआउट के बाद में ये यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक्स सपोर्ट ले रहा था, तो इस सपोर्ट को अभी इसने एक डोजी कैंडल बनाया है सपोर्ट के आसपास, और अब इसमें हम लोग यहाँ पे नई खरीदारी कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ। जो स्टॉप लॉस होगा हमारा 1700 के आसपास का, हमारा 1700 से 1710 तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो हमारे आ रहे हैं निकल के, जो कि 2100 के टारगेट के लिए हम लोग फर्स्ट होल्ड कर सकते हैं। 2100 का टारगेट जैसे ही यहाँ से निकल के आ रहा है, मैं आप लोग को थोड़ा दिखाना चाहूंगा 2100 टारगेट में। क्यों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो भी आप लोग को थोड़ा मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए मंथली चार्ट में भी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे देख सकते हो। मुझे काफी चार्ट पैटर्न्स के लिए यहाँ पे दिख रहा है, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लेवल को जैसे ही ये निकाला है, तो आप इसको हम लोग जैसे वीकली बेसिस पे हमको 1800 के ऊपर ये चार्ट ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना फॉल डाउन हुआ, अभी यहाँ पे नियर बाय इसका कोई एक रेजिस्टेंस मंथली में नहीं दिख रहा है, तो इसका टारगेट हम लोग लगा के सकते हैं 2100 का चार्ट टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। अगर आपको 1 से 2 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हो, आपके जो टारगेट हम लोग लगा सकते हैं 2500, और नेक्स्ट जो टारगेट है 3000 के आसपास हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई जो है आ रहा है वो 3800 तक ये जा सकते हैं, 3800 के आसपास ये 800-900 तक ये स्टॉक्स जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग स्टॉप लॉस 1700 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अभी वीकली बेसिस पे हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका जो सही इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अगला जो हमारा आखिर स्टॉक्स है वो है वेदंता। देखिए इस स्टॉक्स में भी देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें हम कह सकते हैं, काफी दिनों से इसमें भी एक ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे देखिए इस लेवल को देखिए काफी बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया, और इसको टेस्ट करने के बाद में इसी लेवल के आसपास से एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, फिर इसी लेवल के आसपास एक बार फिर रेजिस्टेंस मिला, और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग नहीं कहेंगे, इसी आसपास एक प्राइजेक्शन बना रहा है, और इसके ऊपर जैसे ही हम लोग इसको 370 के ऊपर जैसे ही वीकली बेसिस के ऊपर ये क्लोजिंग मिलेगा, तो हम लोग इसमें हमारी नई बाई कर सकते हैं। नई नई पोजीशन हम लोग यहाँ पे 370 के ऊपर हम लोग इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग होने क्या हम लोग वेट कर देंगे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम लोग इसमें नई फ्रेश बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका टारगेट जो हम लोग लेके चलेंगे फर्स्ट टारगेट वो है 440 के आसपास, अगर इस लेवल को, यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हम लोग को 100 पॉइंट से हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो इसमें मिलेगा ये एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे छोटा सा इसका हर्डल है, तो इसको 380 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके जा सकते हैं।
सेकंड जो टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस ही है इसका जो हाई इस लेवल के आसपास, यानी कि 470 से 480 का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही जल्दी 2 से 4 महीने में ये टारगेट हम लोग को देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स में हम लोग अच्छी तरह से आप लोग के साथ एनालिसिस किया। अब इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम लोग, हम नई खरीदारी 340 के ऊपर कर, 40 से 60 के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 320 के आसपास, जैसे ही 320 को नीचे की तरफ क्लोज कर सकता है तो हम लोग इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को वापस फिर रेजिस्टेंस लेके इस डाउन साइड में इस स्टॉक फिर से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर जैसे क्लोज देगा ग्रीन कैंडल से तो हम लोग नई फ्रेश बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 320 के आसपास हमारा होगा, टारगेट यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो दोस्तों ये थे वीकली चार्ट के हमारे बेस्ट ब्रेकआउट वाले चार्ट, जो कि ब्रेकआउट तो इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्टॉक हमारा ब्रेकआउट है और एक स्टॉक ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट करेंगे। एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के बाद में हम लोग इसमें एंट्री करेंगे तो हमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है कुछ आने वाले महीनों में। तो इस स्टॉक के ऊपर आप भी अपनी एनालिसिस डिटेल से चार्ट के ऊपर एनालिसिस जरूर कीजिए और सीखते रहिए, हमेशा कुछ न कुछ चार्ट पैटर्न हमें सीखते रहना चाहिए। मैं भी हमेशा आप लोग के साथ में यहाँ पे सीखता ही रहता हूँ नई नई चीज़ें, मार्केट हमें हमेशा नई नई चीज़ें सिखाता ही रहता है। तो ज़रूर सीखते रहिए और चार्ट पैटर्न को हमेशा पढ़ते रहिए। यहाँ पे हम लोग चार्ट पैटर्न में क्या देखा क्या नहीं देखा, उसका क्या लेवल है और क्या टारगेट रखा है, तो किस लेवल के ऊपर किस लॉजिक से हमें ये टारगेट रखा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आप लोग भी एनालिसिस करते रहिए। दोस्तों ये थी दोनों स्टॉक्स हम लोग का चार्ट ऑफ द वीक के बेस्ट स्टॉक्स, तो आप लोग को इनके ऊपर भी जरूर स्टडी कीजिए और इन स्टॉक के बारे में आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वहाँ पे मैं आप लोग को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल भी देता हूँ और बैंक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक का लेवल भी देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल एंड इंट्राडे के लिए, आप लोग को वहाँ पे अच्छे टारगेट भी मिल जाते हैं तो वहाँ से आप भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।